क्या तुम्हारा भी एक लो एंड डिवाइस है? मतलब जिस मोबाइल पे तुम गेम खेलते हो उसमें लैग, मोबाइल हीट, लो FPS, ये सारे प्रॉब्लम तुम्हारे मोबाइल में होता है? अगर हाँ तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा मोबाइल बहुत पुराना हो चुका है और अब टाइम आ गया है तुम्हारे मोबाइल को ऑप्टिमाइज करने का, मतलब तुम्हारे मोबाइल को पुराना से नया बनाने का, और इसको छोटी सी भाषा में ऑप्टिमाइज कहते हैं। और मैं पहले ही बता दूं, मोबाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए आज मैं जो सेटिंग बताऊंगा वो सब सेटिंग 100% सेफ है, क्योंकि आधे से ज्यादा बंदे इस बात से डरते हैं कि उनका मोबाइल खराब ना हो जाए, क्योंकि हर किसी को अपना मोबाइल प्यारा है। तो अब इस बात को समझो कि आजकल के जो नया मोबाइल आ रहा है उसमें रैम को एक्सपेंडेबल कर सकते हो, मतलब रैम को बढ़ा सकते हो। और इसी तरीके से मोबाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए आज मैं जो जो सेटिंग बताऊंगा उन सब सेटिंग्स को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे, जिससे कि तुम्हारा मोबाइल लाइटली फ्री हो जाए, तो इससे तुम्हारे मोबाइल को कोई खतरा भी नहीं है। और मैं इस वीडियो के अंदर कुछ टिप्स भी दूंगा लैग फिक्स और FPS को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले सेटिंग्स को करते हैं। तो मोबाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें 5 सेटिंग करनी पड़ेगी और ये सब सेटिंग तुम्हें डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मोबाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए सेटिंग नंबर 1, बैकग्राउंड प्रोसेसर लिमिट। अब ये सेटिंग बेसिकली तुम जब गेम खेलते हो तब तुम्हारे मोबाइल के अंदर जो बैकग्राउंड में बेफालतू के ऐप रन होते हैं उन ऐप को ये सेटिंग रन होने से रोकता है, जिससे कि तुम्हारे मोबाइल का GPU और CPU सिर्फ एक गेम में फोकस कर पाए। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाना, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके पूरा नीचे की तरफ आना, तो ये सेटिंग तुम्हें DPI ऑप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो सिंपली इस सेटिंग के ऊपर टैप करना, तो ये डिफॉल्ट में जो भी रहेगा तुम्हें उसे हटा के वन प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए सेटिंग नंबर 2, लॉग बफर साइज। अब ये सेटिंग बेसिकली लैग के लिए बना है। अब देखो, लैग तब होता है जब तुम्हारा मोबाइल का रैम कम होता है। मान लो तुम्हारा 3 से 4 GB मोबाइल का रैम है तब तुम्हारा गेम लैग करेगा, लेकिन ये सेटिंग क्या करता है, तुम्हारे मोबाइल के अंदर जो रैम यूज हो रहा है उसे कम कर देता है, मतलब रैम यूज को कम कर देता है। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाना, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके तुम्हें ये सेटिंग दिख जाएगा, तो सिंपली उसके ऊपर टैप करना। तो ये डिफॉल्ट में 256 के में सेट होगा, तुम्हें उसे 64 के में सेट कर लेना है। तो ये सेटिंग करने के बाद तुम्हारा रैम यूज कम हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 3, हार्डवेयर एक्सेलरेशन। अब ये सेटिंग बेसिकली गेम को फास्ट लोड लेने में और FPS को बूस्ट करने के लिए है। एक तरफ से मान सकते हो इस सेटिंग को ऑन करने के बाद तुम्हारा हेडशॉट लगने का चांस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सेटिंग तुम्हें 10 से 20 FPS बूस्ट करके देगा, और गेम में ज्यादा FPS आने की वजह से तुम्हारा हेडशॉट भी मक्खन की तरह लगेगा। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाना, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके तुम्हें यह सेटिंग मिल जाएगा, तो सिंपली इस सेटिंग को ऑन कर लेना। उसके बाद मोबाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए सेटिंग नंबर 4, फोर्स 4x MSA। अब ये सेटिंग भी लैग को फिक्स करने के लिए है, मतलब तुम जब गेम खेलोगे तब ये सेटिंग 4 गुना फोर्स देगा तुम्हारे गेम में, जिससे कि तुम्हारा गेम स्मूथली चले। लेकिन इस सेटिंग का एक साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि जितना ये तुम्हारे गेम में फोर्स देगा उतनी ही तेजी से तुम्हारा मोबाइल का चार्ज भी खाएगा। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाना, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके पूरा नीचे की तरफ आ जाना, और ये सेटिंग तुम्हें DPI ऑप्शन के नीचे मिल जाएगा, तो सिंपली इस सेटिंग को ऑन कर लेना। उसके बाद मोबाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए लास्ट सेटिंग, एनिमेशन स्किल। अब ये सेटिंग बेसिकली मोबाइल को फास्ट करने के लिए है। अब इतने सारे सेटिंग कर रहे हैं तब मोबाइल को भी तो फास्ट करना पड़ेगा, और इस सेटिंग के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि सब लोग जानते हैं इस सेटिंग के बारे में। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाना, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके DPI ऑप्शन के ऊपर तुम्हें ये सेटिंग मिल जाएगा, और इन तीनों को एक एक करके 0.5 में सेट कर लेना। तो ये सब सेटिंग करने के बाद तुम्हारे मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लेना। तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था मैं कुछ टिप्स दूंगा लैग फिक्स और FPS को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले टिप्स नंबर 1, अपने गेम में जो डाउनलोड पैक है उन सबको डिलीट कर दो, जो रिकमेंडेड है उसे ही सिर्फ डाउनलोड करो, इससे तुम्हारा गेम का लैग कई हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद टिप्स नंबर 2, अपने गेम में जो इन गेम रिकॉर्डर है उसको हमेशा ऑफ रखो, क्योंकि इसकी वजह से FPS कई हद तक ड्रॉप होता है, तो इसको हमेशा ऑफ रखना। तो यही था कुछ टिप्स जिससे तुम लैग और FPS को बूस्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही था।